आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं राहुल। रीवा जिले में आए दिन हो रही चोरी और लूट की घटनाओं के बाद एक बार फिर चोरों ने अपना कारनामा दिखाया है। जहां घर वालों की मौजूदगी के बाद अज्ञात चोरों ने घर के अंदर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए हैं। घटना की जानकारी घर वालों को सुबह हुई, जिसके बाद तरहटी निवासी फरियादी राजकुमार मोटवानी के द्वारा घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। घटना के संबंध में सोनम मोटवानी ने बताया कि वह सिलाई का काम करती हैं। सुबह जब घर के लोग सोकर उठे तो देखा कि कमरे का ताला टूटा था और सारा सामान अस्त व्यस्त था। फरियादी ने बताया कि अज्ञात चोर अलमारी तोड़कर 9000 के करीब नकदी, सिलाई के नए कपड़े सहित सीलिंग फैन व अन्य सामान समेटने के बाद अज्ञात चोर फ्रिज में रखा घी, मलाई व खाने का सामान भी ले गए। बताया जा रहा है कि घटना पर आसपास कैमरे भी लगे हुए हैं। अपने स्तर पर पीड़ित CCTV कैमरे की फुटेज में चोरों की पहचान करने में जुटे हुए हैं। सोनम मोटवानी, ये सर रात को चोरी हुई है। हम लोग सुबह उठे हैं 6 बजे, तभी हमको हमारे मिस्टर बोले कि चलिए वो नीचे देखो क्या क्या हो गया है। मैं छटपट आके उठी, बच्चों को भी उठाई। बच्चे पहले आए हैं नीचे, बच्चों ने वीडियो बनाया है कमरे का पूरा पहले, फिर मैं कमरे में आई हूँ। मेरा सामान इधर ना मशीन रही, ना साइकिल पड़ी है, ना ढोलक पड़े हैं, ना मेरा किराने का सामान है, ना मेरा अलमारी में सामान है। जो लेडीज़ लोग के कपड़े सिलती हूँ वो भी मेरे सामान नहीं है। ऐसे पंखा भी निकाल के मेरा ले गए, सब ऊपर पता नहीं और कितना सामान पड़ा रहा मेरा। और दराजों में से सामान, गुड़िया का पार्लर करती हैं वो सामान सब मेरा गायब है। उधर से नकदी उसमें 10,000 अलमारी में पड़े रहे, लॉकर मेरी खुली पड़ी है ऐसे ही। ये लॉकर पूरी मेरी तोड़ के ले गए हैं सर। हाँ, हमने कर दी, अभी सुनवाई उसकी नहीं हुई है, अभी तक नहीं आए। हम 10 बजे गए रहे करीब, तो उधर आवेदन वगैरह दिया है, उन लोगों ने अभी तक सुनवाई नहीं करी है।